अंजना ओम कश्यप का हुआ कड़ा विरोध। अंजना के हेलीकॉप्टर पर जनता की सर्जिकल स्ट्राइक। आज तक की अंजना को जनता ने दौड़ाया। ये तस्वीरें जनता के गुस्से की हैं। मनो मीडिया के खो चुके भरोसे की हैं। ये तस्वीरें अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता के खिलाफ जनता के विद्रोह की हैं। आज तक की सीनियर एंकर अंजना ओम कश्यप इन दिनों हेलीकॉप्टर पर सवार होकर चुनावी शो कर रही हैं। इसी कड़ी में उनका हेलीकॉप्टर यूपी के देवरिया पहुंचा था। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के मुताबिक अंजना ओम कश्यप जब यहां अपने शो की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंजना ओम मोदी वापस जाओ के नारे लगाने लगी। सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप के ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में अंजना ओम कश्यप को साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन जनता लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। विरोध का आलम यह था कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अंजना ओम कश्यप को कई पुलिस वाले बचा कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप की सालत का मखौल बनाया जा रहा है। कोई उनकी पत्रकारिता पर तंज कस रहा है तो कोई गोदी मीडिया की दयनीय हालत पर तरस खा रहा है। इस बारे में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, आज तक को मोदी भाजपा ने खरीद लिया है, चार छठे गोदी पत्रकार नहीं, पत्रकार उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। अंजना ओम मोदी वापस जाओ, फिलहाल जनता को ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए। मैं ऐसे नारों की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। अंजना ओम कश्यप के हेलीकॉप्टर शॉट की हवा जनता ने ही निकाल दी। Yeah!
ये तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे मीडिया पर जनता का भरोसा कम हुआ है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जनता मीडिया को पसंद नहीं करती। अगर इन सब तस्वीरों से भी गोदी मीडिया ने सबक नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब लोग किसी को पत्रकार बताने भर पर दौड़ा लेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।